नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट में क्या हुआ, लंबी तेजी के बाद अब फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लंबी तेजी बोलने का तो एक महीने की तेजी था इसमें, आप देखेंगे इसमें एक महीने के आसपास की तेजी थी। वहीं हम बात कर ले 1 वीक की 5% का रिटर्न, और 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 70% का तगड़ा रिटर्न दिया है। मतलब इसमें एक महीने की तेजी थी और एक महीने तेजी के बाद अब स्टॉक में सुस्तीपन दिखाई दे रहा, मतलब अब गिरावट देखने को मिल रहा है इसमें। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, देखिए इसमें जो था इवेंट का इंतजार था, रिजल्ट की बात थी, अब वो रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में आप देखेंगे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, उसके बावजूद भी इस शेयर्स में अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिला। फिर वही हम बात करें इसमें स्टॉक डिविडेंड के बारे में बात करूँ, और डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो है आपका 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर का जो रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड का वो है 0.36 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको मिलेगा। कहीं आप इसमें शेयर होल्डर बने रहेंगे 28 अक्टूबर से पहले पहले, कहीं आपके पास माल रहेगा तो आपको मिलेगा। तो क्या अब हमें इसमें बाहर हो जाना चाहिए इस शेयर से, क्या हमें इंतजार करना चाहिए एक्स डेट का, मतलब कि 26-27 तारीख का, 25 तारीख का हो गया कल का जो दिन होगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। क्योंकि जो डिविडेंड के हिसाब से जो डिविडेंड वाले होते हैं, जो डिविडेंड लेने के लिए इसमें इंटर करते हैं, वो इंटर करते हैं 26-27 तारीख के आसपास में इंटर करते हैं, और जो प्रॉफिट बुकिंग वाले होते हैं जो डिविडेंड का इंतजार नहीं करते हैं, वो 27 या 26 तारीख को 2 बजे से पहले वो यहाँ से फुर हो जाते हैं, माल काट के बाहर हो जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेटा की, बात करें तो एनएससी की वेबसाइट पर चलकर वहां पे डेटा का, डिलीवरी डेटा का आकलन कर लेते हैं, और पता चलता है कि क्या आने वाले टाइम में तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी। देखिए इस समय मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और डिलीवरी परसेंटेज देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 44% के आसपास का डिलीवरी उठाया गया है, मतलब डिलीवरी परसेंटेज अभी भी लोग इच्छुक हैं डिविडेंड के लिए। इसमें देखिए डिविडेंड के लिए इच्छुक कौन होता है, वो होते हैं मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं ट्रेडर होते हैं उनको नहीं चाहिए डिविडेंड, वो डिविडेंड के लिए नहीं मार करते हैं, उनको चाहिए भाई मोटा कर्रा पैसा तुरंत का तुरंत चाहिए, वो डिविडेंड के लिए वेट नहीं करते हैं। क्योंकि डिविडेंड के वेट करने के चक्कर में क्या होता है, आप शेयर में फंस जाते हैं और आपका अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है, हो भी सकता है, यही स्थिति ट्राइडेंट में भी हो सकता है। चलिए अब कुछ चीजें चार्ट पर चल के देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे चार्ट की बात करें, 1 घंटे का हमने यहाँ पे 1 आवर्स का यहाँ पे हमने इंडिकेटर लगाया, 1 आवर्स का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिकेटर मैंने 2 चूज किया, एक सुपर ट्रेंड और RSI। RSI सुपर ट्रेंड की बात करें, सुपर ट्रेंड में आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर 1 आवर्स में है, सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वही हम बात करें यहाँ पे 15 मिनट का जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग में भी आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया था, सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया था, क्लोज होते 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 क्लोज यहाँ पे बंद होते होते सेलिंग प्रेशर आ गया था। फिर वही बात करें 1 डे की, 1 डे कैंडल स्टिक की बात करें, 1 डे की चार्ट की बात करें, तो यहाँ पे 1 डे में देखेंगे अभी भी तेजी देखने को मिल रहा है। वही हम यहाँ पे बात करें RSI लेवल की बात करें, तो यहाँ पे RSI लेवल जो है ओवरबॉट जोन के बोले या ओवरबॉट सेल की बात करें तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में भी नहीं है और सेल में भी नहीं है, ओवरबॉट सेल भी होता है, ये दोनों इंडिकेशन यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें बाई कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि क्या हमें यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए जी नहीं, यहाँ पे हमें बाई नहीं करना चाहिए। देखिए ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे कहीं लोग जो इसका डिविडेंड एक्स डेट है 28 तारीख, अधिक दिन तक नहीं रह गया है, ठीक है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे डिविडेंड का, ठीक है। कहीं कुछ लोग भी दिखाते हैं कल कुछ तेजी भी देखने को मिलता है, तो डिविडेंड एक्स डेट के बाद इसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकता है, वो भी 27 से 28 अक्टूबर को भारी गिरावट देखने को इसमें मिल सकता है। तो क्या करना चाहिए, तो इस समय इसमें जो रणनीति होना चाहिए इसमें वॉच का, वेट एंड वॉच का रणनीति होना चाहिए, ठीक है। इसमें और गिरावट आए देखने के बोले तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, होना चाहिए 35-26 रुपए के आसपास, यहाँ पे कहीं आता है और फिर उसके बाद फिर से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर उसके बाद वैसी रणनीति अपनाना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी वेट एंड वॉच का रणनीति होना चाहिए इस शेयर में।
आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी, क्योंकि देखिए इस समय माहौल भी क्या है ना, माहौल भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। चारों तरफ जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप है सब में जम के पिटाई हो रही है, तो इसमें भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सब कुछ देख के चलना चाहिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल चैनल को, दैट मीन्स बिज इंडिया को, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।